वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एरिस्टोटल अंकल। सो आज हमारा टॉपिक जो है आइस कैंडी मैन या फिर क्रैकिंग इंडिया बाय बप्सी सिद्वा जो नॉवल है उसका थर्ड टॉपिक है एज अ पार्टीशन, और एज अ पार्टीशन नॉवल और लेनी एज अ नरेटर हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम फेमिनिज्म को देखेंगे इस नॉवल में, जो कि मतलब ये नॉवल भरा पड़ा है फेमिनिज्म से। तो आइस कैंडी मैन जो है हम शुरू करते हैं। आइस कैंडी मैन हैज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन करेक्टर्स हु वॉन्ट टू फोर्ज देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आइस कैंडी मैन कैन अनडाउटेडली बी टर्म्ड एज अ फेमिनिस्ट नावल। क्यों? फेमिनिस्ट नावल जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो नावल होते हैं बाकी, उनमें क्या होता है कि जो हीरोइक क्वालिटीज़ होती है, जो अच्छे बड़े बड़े कारनामे होते हैं, वो क्या मैन के साथ उनको एट्रीब्यूट किया होता है। मैन जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, मर्द हजरात, तो उनको दिखाया गया होता है वो बड़े बड़े कारनामे करते हैं। लेकिन जो फेमिनिस्ट नैरेटिव्स होते हैं उसमें ये औरतें जो होती हैं, विमेन जो होती हैं, वो इन एट्रीब्यूट्स को एक्वायर करती हैं। तो हमारी जो आइस कैंडी मैन नावल है इसमें भी सेम यही चीज़ है। इसमें हमारे पास औरतों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव उनकी इन्वॉल्वमेंट, और जो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में उनका कंट्रोल होता है वो औरतों का ज़्यादा है मर्दों के बजाय। ठीक है, तो अगर हम लेनी को देखें, लेनी द नरेटर इन आइस कैंडी मैन इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ द नावल। ठीक है, हमारे पास जो नरेटर है वो ही एक फ़ीमेल जो सोसाइटी है, मतलब बच्ची है, लड़की है, वही फीमेल जो है उसे बिलोंग करती है। तो रिटेनिंग हर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन डाइवर्स सिचुएशंस, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर नेमलेस कज़न सिग्निफिकेंटली पोर्ट्रेज द फेमिनिस्ट नीड फॉर असर्टिव इक्वालिटी। जो नैरेटर है हमारे पास लेनी, उसको बिल्कुल एक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट उसकी एग्जाम्पल बना के दिया है। मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और उसका जो बिल्कुल अपने कज़न की तरफ एटीट्यूड होता है, उसका नेमलेस कज़न होता है, कोई नाम नहीं बताया होता, बार बार कज़न ही कह रहे होते हैं पूरे नॉवल के दौरान। तो उसका कज़न जो है उसकी तरफ इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे सीरियस होता है, सीरियस नहीं कह सकते, मतलब क्या है, क्या तेवर दिखाती है उसे, बहुत ज़्यादा तेवर दिखाती है। तो वो तेवर दिखाना जो है, मतलब वो चाहती है, वो इक्वालिटी चाहती है, वो उसे दब कर नहीं रहती। ठीक है, कज़न उसे कई बार छुपी हो जाता है, तो ये इसे दब कर नहीं रहती। तो इसका मतलब है वो बिल्कुल वो इक्वालिटी चाहती है, उसकी ज़रूरत को महसूस करती है। लेनी जो हमारे पास है हैंडीकैप्ड गर्ल जो है, रिप्रेजेंटिंग अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, शी इज़ फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सोशल कंडीशनिंग मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट गर्ल्स हैव टू अंडरगो। मतलब वो जो कंडीशंस होते हैं एक सोसाइटी में वुमेन के लिए, उससे लेनी फ्री होती है। ठीक है, वो एक यंग क्यूरियस चाइल्ड है, वो हमेशा जानना चाहती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और चाहती है कि उसमें पार्टिसिपेट करे। हमेशा वो जेंडर बेस्ड रिलेशनशिप जो सोसाइटी में होता है वो उसको क्या करती है, उसको मतलब ऑब्जर्व कर रही होती है थ्रू आउट द नावल। जब भी ऐसे कोई मेल और फीमेल के दरमियान आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो वो उसको उस पर बात करती है, उस पर क्वेश्चन करती है। ठीक है, तो और उस पर ख़ुद पे असरअंदाज नहीं होने देती। मतलब जो और औरतें फेस करती है और लड़कियां फेस करती हैं नावल में, तो वो ये नहीं कि उसके उसको अपने ऊपर असर उस पर आ जाए, कि वो भी बिल्कुल यही समझने लगे कि हाँ ये सही है, ये लोग सही है, और हम तो जो है हम पे मर्द डोमिनेंट होंगे। लेनी इज़ नीदर इन्फ्लुएंस नॉर कंडीशन बाय हर परसेप्शन ऑफ जेंडर बेस्ड सोशल स्टीरियोटाइप्स। शी एजर्टिवली रिटेन्स हर इंटरेस्ट्स इन एविडेंट इन हर एटीट्यूड टुवर्ड हर आया हमीदा एंड हर कज़न। ठीक है, उनका सेम एटीट्यूड होता है, सही है, हर उसका जो इंटरेस्ट होता है आया में है या हमीदा में या कज़न में है, सबका है, सब सबकी तरह सेम है। और वो मतलब अपनी मर्जी से करती है, वो ये नहीं देखती कि कौन है, अपना है, पराया है, या मतलब कमज़ोर है, सही है, मर्द है, औरत है। व्हेन द गॉड मदर अरेंज अ मीटिंग विद आया, लेनी इंसिस्ट्स ऑन अकम्पनिंग हर। जब एंड पे, बिल्कुल नॉवल के एंड पे, जब गॉड मदर आया से मिलने जाती है, जिसने आइस कैंडी मैन से शादी की होती है, तो लेनी चाहती है कि वो इसके साथ जाए, वो इंसिस्ट करती है कि वो गॉड मदर के साथ जाएगी। शी फील्स दैट आया हैज़ बीन रॉन्ग्ड एंड अशेम्ड बाय हर फ्रेंड्स, एंड शी शेयर्स हर ह्यूमिलेशन। शी वॉन्ट्स टू कम्फर्ट हर एंड किस हर अगली एक्सपीरियंसेस अवे। ठीक है, वो चाहती है कि उसको सब मतलब कम्फर्ट करे, उसको किस करे, उसके जो अगली एक्सपीरियंसेस है, ताकि वो भुला दे, आया भुला दे। शी डज़ नॉट थिंक दैट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुड रिमेन अ स्टिग्मा फॉर एनी वुमेन।
और मतलब ये होना भी नहीं चाहिए, एक औरत की एक काम है जब औरत की गलती ही नहीं होती, लेकिन ये होता है सोसाइटी में। यही चीज़ है कि ऐसे जब होता है ऐसी सिचुएशन में औरत पर ही दाग लगता है, औरत पर ही दाग लगता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, हर सूरत में उसको गलत समझा जाता है। तो शी डज़ नॉट थिंक दैट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उसको नहीं लगता, लेनी के मुताबिक उसको नहीं लगता कि औरत के लिए जो है ये पीर दाग बना रहे। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट हर टू थिंक शी इज़ बैड जस्ट बिकॉज शी हैज़ बीन किडनेप्ड। ये उसकी वजह से बुरी तो नहीं बन जाती, मतलब एक बिल्कुल अच्छा सा दिमाग, बिल्कुल खुला दिमाग रखने वाली लड़की है लेनी जो है, एक बच्ची है लेकिन बिल्कुल बड़ों वाली बातें इसने सही बातें करती हैं, और बख्शी सिद्वा जो है बिल्कुल इसके थ्रू अपने ख्यालात शेयर कर रही है असल में। सो शी ऑल्सो कीप्स हमीदास पास्ट अ सीक्रेट अंडर द इम्प्रेशन दैट इफ़ रिवील्ड हर मदर मे सेक हर हर सेम्पथी बॉन्ड्स हर टू ऑल द वुमेन करेक्टर्स इन द नावल। तो हमारे पास लेनी जो होती है उसकी पूरे नावल में जितने भी करेक्टर्स हैं उसके साथ इसकी सेम्पथी बहुत ज़्यादा होती है। फिर लेनी जो है शी नोटिसज हाउ इन कर्नर बरूचोस क्लिनिक अ वुमेन हैज़ टू डिस्कस हर चाइल्ड्स हेल्थ थ्रू हर हस्बैंड। कर्नल बरूचा जो होता है हमारे पास डॉक्टर जो होता है लेनी का इलाज जो करता है, तो उसमें वहाँ पर क्या होती है, एक लेडी होती है जिसने बुर्का पहना होता है और वो उसका बच्चा बीमार होता है, वो अपने बच्चे के बारे में जानती है क्या बीमारी है क्या उसको तकलीफ़ है, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ रहती है। लेकिन जब उसको डॉक्टर से बात करने का टाइम होता है तो वो पहले अपने हस्बैंड से बात करती है और उसका हस्बैंड फिर डॉक्टर से बात करता है, अपने बच्चे की बीमारी बताता है। तो वो मतलब लेनी वो बात उसने लेनी जो है नोट की होती है कि मतलब एक माँ को अपने फादर के थ्रू अपने बच्चे की जो बीमारी है वो डिस्कस करनी पड़ती है एक डॉक्टर से, क्योंकि सोसाइटी में इस चीज़ को कि दो जो अपोजिट जेंडर है आपस में उनका बात करना जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है। ड्यूरिंग हर विजिट टू फिर पिंडू शी नोटिसज हाउ खतीजा एंड परवीन द एडोलेसेंट सिस्टर्स ऑफ राना लाइक अदर गर्ल्स इन द विलेज ऑलरेडी वियर द रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन ऑफ ओल्डर मच ओल्डर वुमेन। फिर पिंडू में जब वो जाती है तो वहाँ पर खतीजा और परवीन दोनों राना की बहनें होती हैं, और वो बिल्कुल ऐसे होती है ना कि बड़ी औरतें लग रही होती है टाइम से पहले, वो मतलब हाथ पीले करने के लिए तैयार है, छोटी है उम्र से बहुत छोटे हैं लेकिन उनको बहुत पहले ही जो है बड़ा बना दिया गया है। ये लेनी कहती है कि द सिस्टर्स डग देयर हेड्स एंड हाइड देयर माउथ्स इन देयर वेल्स। वो बिल्कुल वो शर्माती है, मुंह छुपाती है, और बिल्कुल लेनी के जो वो कपड़े देखती है, लेनी ने छोटा सा फ्रॉक पहना होता है तो वो बिल्कुल मतलब हैरान होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बुरी चीज़ होती है, वो बहुत उनको लगता है कि लेनी शायद बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये तो बहुत बुरी बात है। और इनको इवन कि ये लोग स्माइल करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि औरतें अगर मतलब बच्चे हैं ये लोग स्माइल करेंगे ये तो बेइज्जती है, ये तो बुरी है, बुरी बात है, तो औरतों को ये शोभा नहीं देता, बच्चियों को ये शोभा नहीं देता कि वो हंसे स्माइल करे। तो एक ऐसी सोसाइटी भी होती है। ठीक है, तो ये जो है लेनी जो है परवीन और खतीजा को भी नोट करती है इस तरह के, किस तरह वो बहुत ही वक्त से पहले बूढ़ी हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास लेनी की मदर है, लेनी की मदर जो हमारे पास है ये फिर बिल्कुल दूसरी सोसाइटी, मतलब वो मॉडर्न जो हमारे पास क्लास है, इलीट क्लास है, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही आज़ाद ख्याल की के जो होते हैं औरतें, सब ऐसे क्लास से बिलोंग करती है लेनी की मदर। वो पार्टियां करती है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पार्टियां करती है, गेस्ट्स वो आते हैं, खुद ही इंटरटेन कर रही होती है गेस्ट्स को, खुद ही मज़े ले रही होती है, मतलब इंजॉय कर रही होती है लाइफ को बाहर बाहर की दुनिया में, मतलब उसका बहुत ही हाथ होता है, बहुत एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना उसकी मिसाल है ये बाहर की दुनिया में, ये फ़िलहाल बाहर तक ही महदूद है। फिर एक दिन अब ये जो कहती है कि लेनी जो है उसको चूँकि पोलियो जो हुआ होता है तो ये इसका ज़िम्मेदार ख़ुद को समझती है, और उसे लगता है जैसे कि ये कहती है इट्स माई फॉल्ट आई निगलेक्टेड हर लेफ्ट हर टू द केयर ऑफ आया, मतलब उसको लगता है वो नहीं होता औरतों की जो कि कुछ भी हो गया ना उनके बच्चों के साथ ये तो उन्हीं की गलती है और किसी की गलती नहीं है, बाप की नहीं है, मतलब ये बाप ही तो सेम होता है जैसे माँ होती है, बट उनको लगता है कि ये उसकी गलती है, अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम देना ये होता है औरतों की, कुछ औरतों की जो है ये आदत होती है क्योंकि उनके माइंड ऐसे बना दिए गए होते हैं ना।
तो कर्नल बरूचा के क्लिनिक में ये वाली लाइन वो कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैंने उसको आया की केयर में छोड़ दिया था। अब लेनी इज़ गिवन एम्पल पर्सनल स्पेस बाय हर मदर। लेनी को बिल्कुल एक मतलब वो इंडिपेंडेंट थी, उसकी मदर ने उसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं पकड़ा हुआ था कि तुम बस मेरे सामने रहना और मेरी हर बात मानना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल अपोजिट थी, वो मुझ और पप्पू का जो रिलेशन है ये बिल्कुल उसके अपोजिट था। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे दोनों, मतलब मदर जो थी वो अपनी बेटी पर बिल्कुल भी कोई सख्ती या कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि ये करना है ये नहीं करना, इंडिपेंडेंट थी। हमारे पास लेनी जो थी हर किसी से जिससे भी वो चाहे दोस्ती रखती थी। दो बार तो वो इमाम दीन के साथ फिर पिंडू गई थी, पार्क्स जाना, रेस्टोरेंट जाना आया के साथ, और उसकी दूसरी उसके बहुत सारे जो दोस्त थे उनके साथ जाना, सर्वेंट्स के साथ बातें करना, तो मतलब बिल्कुल जो जीना चाहे जैसे जीना चाहे, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल था। तो हमारे पास जिस तरह एक मॉडर्न लाइफ तो वो जी रही थी लेनी की मदर, लेकिन फिर वो बहुत ही एक ट्रेडिशनल वाइफ थी। लेनी क्या कहती है कि शी पुट्स टूथपेस्ट ऑन फादर्स टूथब्रश, रिमूव्स हिज सैंडल्स, मतलब वो अपने टूथब्रश पे टूथपेस्ट डालती थी, वो उसके सैंडल्स रिमूव करती थी, उसके सॉक्स हटाती थी, ब्लो करती थी टेंडरली उसके टॉयज़ के दरमियान, ठीक है, एंड विथ कूइंग नॉइसेस केयर्सेस हिज फीट। ये लेनी की मदर थी जो कि इतना मॉडर्न मतलब वो लाइफ जो जी रही थी, और यहाँ जो है अपने जो वाइफली उसका रोल था उसमें ऐसी थी। तो लेनीज मदर रोल एट होम इज़ सबॉर्डिनेट टू द मैन ऑफ द हाउस। वी आर इवन लेड टू थिंक दैट लेनीज मदर माइट बी सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एब्यूज। मतलब अब ये नहीं है कि इस यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट की गई है, हमारे पास 20 के बाद चैप्टर्स थे, 27 आई थिंक सो, 27 या 23, इन दोनों में एक चैप्टर था, 25 भी हो सकता है। अच्छा, नॉवल में क्या था कि हमारे पास एलेनी जो होती है वो कहती है कि उसकी मदर और फादर जो है उसके कमरे से शोर की आवाज़ आ रही होती है, वो दोनों आर्ग्यू करते हैं जबकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। फिर वो जो है उसके बाद एक दिन वो नोट करती है कि जब उसकी अम्मी ये लाइन है कि फादर हैज़ नेवर रेज्ड हिज हैंड्स टू अस, वन डे आई सरप्राइज मदर एट हर बाथ एंड सी द ब्रूसेस ऑन हर बॉडी। वो अपने मदर की बॉडी पर ज़ख्म देखती है, ठीक है, मतलब ये है कि ज़रूर उसके फादर ने उसे मारा होगा। तो एक वुमेन के द मदर मदर इज़ एन एम्पावर्ड वुमेन आउटसाइड हर वाइफली रोल, बाहर की दुनिया में वो एक एम्पावर्ड वुमेन है, वेयर शी कैन बिकम एन एक्टिव ह्यूमैनिटेरियन पर्सन, बट व्हेन शी इज़ एट होम शी इज़ जस्ट अनदर अब्यूज्ड वुमेन। तो ये सेम मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे जो भी फैमिली हो, हर तरह की सिचुएशन हो, सब अमीर गरीब, बहुत ही अनपढ़ है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, हर एक सोसाइटी में औरतों को एक दूसरे ही डिफरेंट तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास, और सिर्फ ये नहीं कि मर्द करता है, औरत औरत से भी अब्यूज़ हो रही होती है। तो ये हम आगे करेक्टर्स में देखेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो आया का करेक्टर है हमारे पास हमीदा है, गॉड मदर स्लेव सिस्टर है, और इसके अलावा मुछो और पप्पू का जो है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।